ईयर्स से अनडिस्टर्ब्ड। ये वर्ल्ड के कुछ सबसे अनछुए रेन फॉरेस्ट हैं। इस लॉस्ट वर्ल्ड में आइसोलेटेड बर्ड्स में बहुत शानदार फीचर्स और फेदर्स इवॉल्व हो गए हैं। सबसे ज्यादा कलरफुल बर्ड्स इंडोनेशिया में हैं। ये है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। 39 अलग अलग स्पीशीज के इस ग्रुप की पहचान है उनके एकदम अनोखे लुक्स। एक से बढ़कर एक शानदार कलर्स का मिक्स, फेदर्स और अजीब बिहेवियर। इस आइलैंड पर पेड़ों पर उछल कूद मचाते प्राइमेट्स ना होने की वजह से जंगल की कैनेपी पर इन बर्ड्स का राज है। इतने सालों में वो इनका स्टेज बन गई है। इस मेल मैग्निफिसेंट राइफल बर्ड की चमकती चेस्ट ही सिर्फ इस बात का इशारा है कि यूजुअली इस ऑर्डिनरी सॉन्ग बर्ड में कुछ तो खास है, लेकिन एक फीमेल के आसपास होने पर वो एक्शन में आ जाता है और ऐसा कुछ करता है जो अर्थ पर सबसे अजीब और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेटिंग रिचुअल्स में से एक है। इसकी कोरियोग्राफी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से डेवलप होती आ रही है, जो एक से दूसरी जनरेशन को पास की गई, और ये उसकी रिहर्सल दूसरे मेल्स के साथ बचपन से करता आ रहा है। इसकी पर्च तक खासकर ऐसी चुनी गई है जहां ज्यादा लाइट आ सके। इसका परफॉर्मेंस बहुत कैलकुलेटेड और बेहतरीन है और उसका असर होता लग रहा है। फीमेल देखने में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो मेल के पोस्चर की नकल करती है इससे पहले कि मेल अपने डांस का फाइनल पार्ट पूरा कर सके। मेल की लाख कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी। फीमेल को ये राइफल बर्ड उतना मैग्निफिसेंट नहीं लगा। कुछ डांसर लेडीज का दिल कभी नहीं जीत पाते। इस आइलैंड पर बहुत कम प्रेडेटर्स होने की वजह से स्पीशीज के एवोल्यूशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात पर टिकी है कि फीमेल ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है। ये मेल इस उम्मीद से प्रैक्टिस करता रहेगा कि आखिर में उसे पार्टनर मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडोनेशिया के लैंड्स पर ही इतने अजीब तरह के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। इस कंट्री में पूरे वर्ल्ड की 18% कोरल रीफ्स भी हैं। स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा लंबी फ्रेंज इंडोनेशिया के आइलैंड्स को जोड़ती है। इकोलॉजिकली यह वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फर्टाइल है। पेपुआ के वेस्टर्न पॉइंट पर जो रीफ्स हैं, वो कोरल ट्रायंगल का एपिसेंटर है, यानी ऐसा एरिया जहां अर्थ पर सबसे ज्यादा कोरल डाइवर्सिटी है। यहां 600 से ज्यादा अलग अलग टाइप्स की कोरल फ्लरिश करती हैं, जो वर्ल्ड की टोटल कोरल्स का 76% है। भले ही ये देखने में अंडरवाटर प्लांट्स जैसे लगे, पर ये वास्ट माउंट्स असल में नन्हे नन्हे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के बने हैं, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं। यहां पर कोरल फिश की 2000 से ज्यादा स्पीशीज रहती हैं। इतनी स्पीशीज अर्थ पर और कहीं नहीं है। इनका वर्ल्ड पानी में डूबा एक सीक्रेट है। और इस ट्रॉपिकल पैराडाइज को बनाने में इन्होंने हेल्प की है। ये शानदार व्हाइट सैंडी बीचेस भी कुछ इसी तरह बने हैं। पैरट फिश कुछ भी खा लेती हैं। ये एल्गी की तलाश में अपने शार्प चोंच जैसे दांतों से रॉक और हार्ड कोरल काटकर खाती रहती हैं। डाइजेस्ट होने के बाद
वो फाइन सेडिमेंट की तरह बाहर निकलता है, जिसे सैंड के नाम से जाना जाता है। हर फिश एक साल में 90 केजीस तक रेत निकाल सकती है। रीफ के बॉर्डर पर सैंड फ्लैट्स गहराई तक फैले हुए हैं। यहां भी क्रीचर और कोरल के बीच फर्क करना मुश्किल हो सकता है। पानी में लहराते हुए देखकर कोई भी इन्हें सी ग्रास के ब्लेड समझने की गलती कर देगा। लेकिन पास जाते ही ये सब गायब हो जाते हैं। गार्डन ईल्स लेंथ में आधे मीटर तक ग्रो हो सकती हैं। ये अपने घर नैरो बरोज में बनाते हैं, जिनसे मोस्टली ये बाहर ही नहीं निकलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को खाने में लगे रहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग करंट में फंस जाता है। ये अलर्ट क्रीचर्स अपनी ज्यादातर बॉडी हर समय अंडरग्राउंड रखते हैं और खतरा महसूस होने पर एक झटके में छुप सकते हैं। इन शैलो वाटर्स में एक और अकेला रहने वाला हर्बीवोर खाने की तलाश में है। ड्यूगोंग्स इंडोनेशिया के सीज में बड़े अजीब क्रीचर्स हैं और मैरिटाइम हिस्ट्री में इन्हें देखकर अक्सर गलती से मिस्टीरियस मरमेड समझ लिया गया। पास से देखने पर सच उतना एलिगेंट नहीं लगता। इनके मस्कुलर अपर लिप के नीचे छुपे हुए टस्क्स का एक छोटा सा सेट होता है, जिसे इन्होंने एंशियंट एंसेस्टर्स से इनहेरिट किया है। सरप्राइजिंगली इनके सबसे करीबी जीते जागते रिलेटिव लैंड पर पाए जाते हैं, एलिफेंट। ड्यूगोंग्स लेंथ में 3 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं और इनका वेट हाफ टन तक होता है। इस वाले ड्यूगोंग को बहुत भूख लगती है। ड्यूगोंग का फेवरेट खाना सी ग्रास होती है। ये एनिमल्स दिन के 8 घंटे ग्रेस करते हुए बिताते हैं, जिसमें 50 किलोस तक सी ग्रास खा जाते हैं। और एलिफेंट्स की तरह इनकी डेली हार्वेस्टिंग से और प्लांट ग्रो होने में हेल्प मिलती है। जैसे ही ये वेजिटेशन उखाड़ता है, सी बेड डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे छोटी फिश खींची चली आती हैं। वो ड्यूगोंग के छोड़े हुए स्क्रैप्स को खाती हैं। लेकिन इन एक्वेटिक मैमल्स को सरफेस पर सांस लेने के लिए जल्दी जल्दी ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। हेवी बोन्स की वजह से ड्यूगोंग्स पानी में अपना वेट बैलेंस कर लेते हैं। अपने ऑक्सीजन इंटेक को एडजस्ट करके ये बड़ी आसानी से उठ और गिर सकते हैं। सोते हुए भी इस मेल को सांस लेने के लिए नींद में सरफेस पर वापस जाना पड़ेगा। इसे लगातार खतरे पर नजर रखनी पड़ती है। इंडोनेशिया के ओशियंस के ब्राइट कोरल गार्डन्स अंधेरा होने के बाद खतरनाक हो जाते हैं। दिन ढलते ही रीफ के ग्रेजर्स को छुपने की जगह ढूंढनी पड़ती है।
अंधेरा होने के साथ ही खुद रीफ भी कार्निवोरस बन जाती है और खाने का कंपटीशन शुरू होने वाला है। ज़ू प्लैंकटन कहे जाने वाले नन्हे नन्हे ड्रिफ्टिंग क्रीचर्स को खुद कोरल खा जाता है। पैरट फिश ने रात काटने की जगह ढूंढ ली, लेकिन सोने से पहले उसे एक रिचुअल पूरा करना है। ये फिश अपनी गिल्स के पास की ग्लैंड से म्यूकस निकालती है, जिससे कुकून बन जाता है। ये कुकून पैरट फिश को पैरासाइट से बचाएगा और इसके छुपने की जगह की भनक भी नहीं लगने देगा। एक घंटे में उसने अपना काम कर लिया और वो भी वक्त पर। व्हाइट टिप्ड रीफ शार्क्स रात में शिकार करती हैं और वो बहुत भूखी हैं। स्नेक लाइक बॉडीज और एक कोलैप्सिबल डॉर्सल फिन होने की वजह से ये बड़े आराम से टनल्स की मेज से होकर निकल जाती हैं। शिकार का पता लगाने के लिए ये रीफ में सेंट के ट्रेल्स फॉलो करती हैं। शिकार मिलने पर ये मिलकर काम करने के लिए जानी जाती हैं, जिसमें ये स्ट्रे फिश को घेर कर उसे मार देती हैं। लेकिन ये प्रेडेटर्स और भी तरीके से फिश को पकड़ना जानते हैं। अगर शिकार इनसे छिप जाए तो इनके पास एक और सेंस होता है। इनके सिर पर मौजूद इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स एनिमल की बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पता लगा सकते हैं। हल्के से हल्का इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी, यानी डरी हुई फिश की हार्ट बीट जितना छोटा सिग्नल भी उसकी छुपने की जगह का पता बता देगा। शार्क्स पास से गुजरती हैं और पैरट फिश जरा भी मूव नहीं करती। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से अनडिस्टर्ब्ड ये वर्ल्ड के कुछ सबसे अनछुए रेन फॉरेस्ट हैं। इस लॉस्ट वर्ल्ड में आइसोलेटेड बर्ड्स में बहुत शानदार फीचर्स और फेदर्स इवॉल्व हो गए हैं। सबसे ज्यादा कलरफुल बर्ड्स इंडोनेशिया में हैं। ये है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। 39 अलग अलग स्पीशीज के इस ग्रुप की पहचान है उनके एकदम अनोखे लुक्स। एक से बढ़कर एक शानदार कलर्स का मिक्स, फेदर्स और अजीब बिहेवियर। इस आइलैंड पर पेड़ों पर उछल कूद मचाते प्राइमेट्स ना होने की वजह से जंगल की कैनेपी पर इन बर्ड्स का राज है। इतने सालों में वो इनका स्टेज बन गई है। इस मेल मैग्निफिसेंट राइफल बर्ड की चमकती चेस्ट ही सिर्फ इस बात का इशारा है कि यूजुअली इस ऑर्डिनरी सॉन्ग बर्ड में कुछ तो खास है, लेकिन एक फीमेल के आसपास होने पर वो एक्शन में आ जाता है और ऐसा कुछ करता है जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से अनडिस्टर्ब्ड ये वर्ल्ड के कुछ सबसे अनछुए रेन फॉरेस्ट हैं। इस लॉस्ट वर्ल्ड में आइसोलेटेड बर्ड्स में बहुत शानदार फीचर्स और फेदर्स इवॉल्व हो गए हैं।
सबसे ज्यादा कलरफुल बर्ड्स इंडोनेशिया में है। ये है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। 39 अलग अलग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। वो मेल के पोस्चर की नकल करती है इससे पहले कि मेल अपने डांस का फाइनल पार्ट पूरा कर सके। पिचर प्लांट थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एम्फीबियंस और कभी कभी रैट को भी अपना खाना बना लेगा। ये उसके डेडली डिजाइन का कमाल है। यहां ग्रो होने वाली 15,000 अलग अलग प्लांट स्पीशीज में से 1/3 से ज्यादा अर्थ पर कहीं और नहीं पाई जाती। उनके बीच एक ऐसा किलर रहता है जिस पर किसी को शक नहीं होता। ये लीफी प्लांट डॉगबेन फैमिली का मेंबर है। ये बहुत टॉक्सिक होता है और अगर गलती से खा लिया जाए तो सबसे बड़े जानवर की जान भी ले सकता है। लेकिन इसका टेस्ट इतना कड़वा होता है कि पॉइजनिंग होना बहुत मुश्किल है। इतना कड़वा होने के बाद भी एक क्रीचर ऐसा है जिसमें लगता है ठान ली है कि वो पीछे नहीं हटेगा, और वो है ट्री निम्फ कैटरपिलर। 12 अलग अलग स्पीशीज बहुत रिसोर्सफुल और अजीब इंसेक्ट्स के इस ग्रुप को बनाती हैं। ये कैटरपिलर पहले पत्ती की पॉइजनस सप्लाई रोकता है, जिसके लिए वो टॉक्सिन्स ले जाने वाली स्टेम को काट देता है। कैटरपिलर पूरी तरह जहर से रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन उसने चालाकी से प्लांट के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर लिया है। एक बिना जहर वाली डोज लेकर अब उसमें वो टॉक्सिन्स हैं जिससे प्रेडेटर्स दूर रहना पसंद करते हैं। अपनी 2 हफ्ते की इन्फेंसी के दौरान कैटरपिलर का साइज डबल हो जाता है। नेचर के सबसे अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक की तैयारी शुरू हो जाती है। ये पत्ती पर एक सिल्क पैक बुनता है और अपने पीछे बने बार्ब्ड हुक्स से पत्ती पर लटक जाता है। एंजाइम्स कैटरपिलर के टिश्यू को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे उसके अंदर के ऑर्गन्स लिक्विड में बदल जाते हैं। कैटरपिलर धीरे धीरे अपनी स्किन निकालता है और गोल्डन क्रिसलिस बाहर आ जाता है। कुछ वक्त बाद ये क्रिसलिस हार्ड होकर एक प्रोटेक्टिव कोकून बना देता है। 2 हफ्ते बाद इस ट्रांसफॉर्मेशन की फाइनल स्टेजेस पूरी हो जाती हैं। और धीरे धीरे ट्री निम्फ बटरफ्लाई बाहर निकलती है। ये आराम से अपने पेपर जैसे विंग्स सीधे करके उन्हें सुबह की धूप में सुखाती है। फाइनली वो अपनी पहली फ्लाइट लेती है। लेकिन यहां एक डेलिकेट इंसेक्ट की लाइफ में बहुत खतरे हो सकते हैं। हर मोड़ पर मुसीबत मुंह खोले खड़ी रहती है। और अनहोनी हो गई, बटरफ्लाई और वीविंग स्पाइडर के जाल में फंस गई और स्पाइडर उसे खाने को तैयार है। बटरफ्लाई का मरना तय लगता है, लेकिन इन जंगलों में कुछ भी हो सकता है और इस ऑब वीवर को बटरफ्लाई में कुछ गड़बड़ लगती है।
वो बटरफ्लाई के फ्लैश से निकलती बिटर सेंट से पीछे हट जाती है। एक कमाल के ट्विस्ट में स्पाइडर अपने चंगुल से बटरफ्लाई को फ्री कर देती है। असल में बटरफ्लाई में वो टॉक्सिन्स अब भी थे जो उसने कैटरपिलर होने के वक्त कंज्यूम किए थे। अब वीवर भूखी रह जाती है और ट्री निम्फ बटरफ्लाई सही सलामत अपनी दूसरी फ्लाइट लेती है। इस बार बिना किसी प्रॉब्लम के। कई तरह के प्रोडक्टिव हैबिटेट्स के अंदर आइसोलेटेड और छुपे इस शानदार आर्किपेलागो के एनिमल्स और प्लांट्स बहुत अनोखे ढंग से इवॉल्व हो गए हैं। इंडोनेशिया की बेहतरीन और डाइवर्स ज्योग्राफी ने अजीब बिहेवियर्स वाले क्रीचर्स को सपोर्ट किया जिन्हें बाहर की दुनिया ने बहुत ही कम देखा है। इन आइलैंड्स पर हर मोड़ पर मिस्ट्री और अननोन चीजें मौजूद, लेकिन एक फीमेल के आसपास होने पर वो एक्शन में आ जाता है और ऐसा कुछ करता है जो अर्थ पर सबसे अजीब और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेटिंग रिचुअल्स में से एक है। इसकी कोरियोग्राफी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से डेवलप होती आ रही है जो एक से दूसरी जनरेशंस को पास की गई और ये उसकी रिहर्सल दूसरे मेल्स के साथ बचपन से करता आ रहा है। इस आइलैंड पर पेड़ों पर उछल कूद मचाते प्राइमेट्स ना होने की वजह से जंगल की कैनेपी पर इन बर्ड्स का राज है। इतने सालों में वो इनका स्टेज बन गई है। इस मेल मैग्निफिसेंट राइफल बर्ड की चमकती चेस्ट ही सिर्फ इस बात का इशारा है कि यूजुअली इस ऑर्डिनरी सॉन्ग बर्ड में कुछ तो खास है। Thousands of years से undisturbed, ये वर्ल्ड के कुछ सबसे अनछुए रेनफॉरेस्ट हैं। इस लॉस्ट वर्ल्ड में आइसोलेटेड, बर्ड्स में बहुत शानदार फीचर्स और फेदर्स इवॉल्व हो गए हैं। इसकी पर्च तक खासकर ऐसी चुनी गई है जहां ज्यादा लाइट आ सके। इसका परफॉर्मेंस बहुत कैलकुलेटेड और बेहतरीन है और उसका असर होता लग रहा है। फीमेल देखने में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो मेल के पोस्चर की नकल करती। सबसे ज्यादा कलरफुल बर्ड्स इंडोनेशिया में है। ये है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। 39 अलग अलग स्पीशीज के इस ग्रुप की पहचान है उनके एकदम अनोखे लुक्स, एक से बढ़कर एक शानदार कलर्स का मिक्स, फेदर्स और अजीब बिहेवियर।